हो गया है तुझे, क्या करने वाला है यूवी? क्या तू कौन सा नया षड्यंत्र रचने वाला है? तू अगर पुराना वाला यूवी होता तो अभी सीना ठोक के मुझे बोलता, हाँ मैं ये करने वाला हूँ ट्विंकल, जा उखाड़ ले जो उखाड़ सकती, मुझे चैलेंज करता, क्योंकि तेरे लिए तो हर चीज एक चैलेंज है ना, जिसे तुझे जीतना होता। गुस्से में मुझे अभी जवाब देता, पागल हो जाता गुस्से में, लेकिन तू यहाँ पे शांत खड़ा, आखिर क्या करने वाला है यूवी? मुझे जवाब दे, बता मुझे। ट्विंकल, मैं तेरा गुनहगार, मैंने जो भी कुछ गलत किया, जो भी गलतियां करी, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मंजूर है मुझे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, I just deserve this. I deserve this. I'm the culprit. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके लिए मैं आई हूँ। मैडम जी, आपको इनसे कुछ पूछना है? जी नहीं, आप देख लीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो मिस्टर सोडी, मैं ट्विंकल बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए ट्विंकल जी। एक्चुअली मैं वो शादी नहीं करवा पाऊंगी, आप प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए। लेकिन ट्विंकल जी, सॉरी सर, मेरा पर्स चोरी हो गया, रिपोर्ट लिखवानी है। आपका पर्स कहाँ पे चोरी हुआ? एयरपोर्ट पे। किसी भी तरह से I need to check on that युवराज लूथरा। हाँ यही नाम बताया था। ओए हवलदार, ओए युवराज लूथरा को बाहर निकाल, कोर्ट लेके जाना। बड़ी बिजनेस वुमन का बेटा है ना? हाँ, युवराज लूथरा लंबे समय के लिए अंदर गया है, इसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस भी है। मैंने ना मेहंदी वाली से बात कर ली और डिजाइन भी फाइनल कर दिया, और संगीत की चिंता तो तू ना कर, मैं और लीला जी है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। क्यों लीला जी? और नहीं तो क्या। और ट्विंकल पुत्र, केटरर की जिम्मेदारी मेरी। और ट्विंकल, ये वेन्यू की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। आई विल डू दैट, ओके? बात ये है पुत्र कि हम सब है ना तेरे नाल हैं। इस तैयारी में एकजुट होकर हम तेरे साथ काम करेंगे। थैंक यू। आप सब है ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं, आप लोग मेरे पिलर्स हो। क्या आई नो लगा रखा है पुत्र, स्माइल कर और बोल थैंक यू, और हम सबके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना के ला है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मौका भी है और दस्तूर भी,
ट्विंकल कम ऑन. जी बेबी. मैं आप सबको कैसे बताऊं कि हमको ये कॉन्ट्रैक्ट यूवी की वजह से मिला है और मैं तो ऑलरेडी मिस्टर सोढ़ी को मना कर चुकी हूं. मैं देखती हूं दरवाजे में कोई आ रहा है. अभी सब घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी. ये अच्छा मौका है यूवी वाला केस सॉल्व करने का. लेकिन मैं क्या करूं? चिंकी को कॉल करती हूँ, शायद उससे कुछ पता. हेलो. हेलो चिंकी, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए. हाँ बोलना. चिंकी, जब मैं और कुंज गोवा गए हुए थे तो यूवी ने तुझे कोई कॉल किया था, कोई मैसेज, तुझे कांटेक्ट करने की किसी तरह कोशिश करी थी. हाँ वो उसने मुझे एक बार कांटेक्ट किया था. एक्चुअली वो थैंक यू वेरी मच. पेपर लेकिन ये सिर्फ फटा हुआ क्यों? ट्विंकल, तेरा फोन नहीं लगा और बात कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं ये नोट तुझे लिखूं. लेकिन कल 27 मई एंड मॉम ने कुछ काम करने के लिए कुछ बहुत ही मेजर प्लान कर. I know Twinkle. अब तो पूछेगी क्या प्लान. Actually, ये प्लान मुझे भी नहीं. Trust. मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे वॉर्न करने आया हूँ. And हाँ Twinkle, please कुछ के साथ रहना. वो जहाँ जाए जो करे, please उसके साथ रहना. Messages. घर पे सबको पता चलेगा कि मैंने यूवी को जेल से रिलीज करवा दिया है तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा सबका. मुझे बहुत ध्यान से सबको ये बात बतानी होगी. बेबे, मम्मी जी मुझे ना आज से आज कुछ हमारे साथ नहीं है. तूने उसी की मदद की. उसे जेल से छुड़वा दिया. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.